गाइस, सुबह सुबह उठकर मैं देखता हूँ मेरा घर में मेरा दोस्त आया है। तो वो बोल रहा था कि भाई मेरा एक गेमिंग पीसी चाहिए अच्छा सा, क्योंकि वो भाई गेम रिकॉर्ड करता है, तो हाई ग्राफिक्स कार्ड वाला एक उसको पीसी चाहिए था, और एक अच्छा वाला मॉनिटर भी चाहिए था, क्योंकि डिस्प्ले जितना बड़ा होगा ना गेम खेलने में उतना ही मज़ा आएगा। तो उसको लेकर हम चला गया बैना सिटी में एक शॉप पे, जहाँ पर बहुत सारा बहुत कम दाम में बहुत अच्छा पीसी मिल रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहा हो पीसी का फिटिंग चल रहा है, आप लोग एक क्लब के अंदर एक अच्छा सा पीसी चाहते हो तो भाई आप लोग एक वाला पीसी बनवा सकते हो। और सबका फुल डिटेल्स यहाँ पर है, आप लोग कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मुझे ना बहुत अच्छे प्राइज में अच्छा सा पीसी मिल गया। चोर बाजार में जो पीसी मिलता है उसमें तो हम भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इतना कम में कैसे देते हैं भाई मुझे तो नहीं पता। और एक बात भाई, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इस जो प्रोडक्ट था इस शॉप पे तो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत अच्छे से काम भी कर देते हैं, बहुत फास्ट। मैंने बोला था भाई मैंने बहुत दूर से आया हूँ तो मेरा पीसी जल्द से जल्द बना दो, तो भाई वो मेरा रिक्वेस्ट ले लिया। और उसके बाद जो एक जेबरनिक्स का 2000 वाला गेमिंग हेडफोन था वो भी मुझे फ्री में दे दिया। तो इस भाई का बिहेवियर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इसका शॉप में जाना चाहते हो तो भाई मुझे कमेंट में लिखो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए मेरा दोस्त का घर में। तो यहाँ पर जो सदम भाई था वो उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए वही सब कुछ अच्छे छर के फिटिंग करने बैठ गया। तो वो फिटिंग कर रहा है पीसी को, और एक बात है दोस्तों, पीसी ले आने के बाद देख रहा हूँ जो सीपीयू का आरजीबी था, 4 RGB लगा हुआ था इस सीपीयू में, तो एक जल रहा है, बाकी 3 जो RGB था वो नहीं जल रहा है। तो मैंने फ़ोन किया था शॉप पे, तो भैया ने बोला ठीक है मेरा लोग जाएगा 2 दिन के अंदर तो सब कुछ ठीक करके दे आएगा, ठीक है, तो इसका लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा दोस्त जो था उसका मन खराब हो गया, क्योंकि भाई जो एक ड्रीम पीसी है उसमें खराब निकल गया पहले ही। तो भाई उसको मैंने बोला जी ठीक है कोई बात नहीं, तो 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भाई उसका तो मन थोड़ा खराब हो गया। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो गाइस पीसी ऑन करने के बाद कितना ज़्यादा औसम लग रहा है, जो हेडफोन था उसका जो RGB है कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, और जो CPU है ना CPU में 1 RGB सिर्फ जल रहा है, आप लोगों को देख रहा हूँ, वेट कीजिए। ये देखो गाइस जो पीसी CPU का RGB है वो सिर्फ 1 जल रहा है, बाकी 3 जो था वो खराब निकल गया। तो कोई बात नहीं, तो फाइनली हम बैठ गया ब्लू स्टिक को इंस्टॉल करने में। ब्लू स्टिक इंस्टॉल करने के बाद मैंने फ्री फायर भी इंस्टॉल करने के लिए बैठा दे रहा हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो फ्री फायर इंस्टॉल हो रहा है। फ्री फायर इंस्टॉल होने के बाद जो सेटिंग था ना आप लोगों को से गेम का फुल सेटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सेटिंग के ऊपर एक पर्सनल लिए अच्छा हेडशॉट के ऊपर ब्लू स्टिक का फुल सेटिंग का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त का जो पीसी था उसको अंदर मैंने फुल सेटिंग कर दिया, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइस मैं ट्रेन मोड में आ गया, पीसी में कितना ज़्यादा हेड लग रहा है आप लोग खुद ही देख लो। पीसी में इतना गाइस बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हेड लगता है, और हेड मारना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। आप लोग कौन कौन फ्यूचर में एक अच्छा सा गेमिंग पीसी लेना चाहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कितना बजट में आप लोग लेना चाहते हो उसको बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपका बजट क्या है प्लीज़ गाइस कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जरूर आपके लिए एक अच्छा सा बेस्ट बजट में गेमिंग पीसी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो टाटा बाय गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए इतना मेहनत करते हो, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।